लो M24R में। तो कैसे हैं आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। हम इस वीडियो में तीन ऐसी ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि अब उस तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी, जो कि एकदम OP है। तो इन भी टिप्स एंड ट्रिक्स को देखने के बाद कमेंट करके ज़रूर बताना कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बहुत अच्छी लगी है। और यार जल्दी से यार सब्सक्राइब कर दो यार, और अच्छी अच्छी वीडियो हम लाते रहेंगे आपके लिए, इतनी मेहनत करते हैं आपके लिए। तो यार सब्सक्राइब को दृढ़ पेड़ पर रख दो और लाइक कर दो इस वीडियो को। कमेंट में ज़रूर ज़रूर बताना कौन सी टिप्स अच्छी लगी आपको। बातें ना करते हुए चलते हैं जल्दी से वीडियो के इस तरफ। किया क्लब किया ड्रॉप किया चॉप किया सब गाने किया, क्योंकि वर्सटाइल में ये मेरा स्टाइल है, ये छापे मुझको करते खुद का सोचे इनका टाइम है इनके। टिप नंबर फर्स्ट है जो ये USZ में काम करने वाली है, इस वाली USZ में। तो यार काफ़ी बार जोन पहाड़ियों के ऊपर बनता है तो आपको जाने में दिक्कत होती है और आप नॉकडाउन हो जाते हैं वहाँ से गिर के। तो ये USZ लेके जाए आप और जल्दी जल्दी पहुँच सकते हैं। एक तो आप ऐसे चढ़ाते होंगे USZ जो कि जाने में दिक्कत देती है, इसको आधी पहुँचती है और आधी नहीं, फिर आप वापस पीछे की तरफ उतर जाते हो। तो आपको इसके ऊपर एक सी ट्रिक बताऊँगा, आप पहले से पहले जाकर वहाँ पहाड़ी पे बैठ सकते हो और बंदे को इजीली किल कर सकते हो और कोई स्कॉट को पहल सकते हो। USZ को पीछे की तरफ घुमा के आप चढ़ाओगे रिवर्स गियर में तो ये इजीली एकदम इजीली चढ़ जाएगी ये पहाड़ी के ऊपर। तो देखो कितनी इजीली जा रही है पहाड़ी के ऊपर। तो इसी तरह से हम जल्दी से जल्दी पहाड़ी पे पहुँच सकते हैं। उम्मीद ये वाली टिप अच्छी लगी होगी आपको, मुझे तो ये सबसे OP ये वाली लगी क्योंकि नए अपडेट के बाद ज़्यादा पहाड़ पर बन रहा है जोन। आप जब मैच खेलते हो आपका सिंगल बंदा बचता है तो आप उसको कमांड करते हो, कमांड करते वक्त ऐसे ना बोलो इधर बंदा उधर बंदा, तो ऊपर जो ये डिग्री है ना इनका इस्तेमाल करो। 350 पे बंदा या 450 पे बंदा ऐसे बता दो, इससे कि आपके बंदे को भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपकी प्रॉब्लम नहीं होगी, वो आगे वाला समझ सकेगा। नहीं तो NMEZ हेड का इस्तेमाल करके आप बता सकते हो। तो आओ चलते हैं नेक्स्ट टिप के तरफ। क्वाड में खेल रहे होते हो तो आप जोन में कभी नोक होता था, जोन में नोक होकर जब आप उठते हो तो आपकी इतनी HP बचती है, जो अभी मेरी है ना स्क्रीन पे इतनी HP बचती है, तो आप जल्दी से हेल्थ किट लगाने लग जाते हो। तो हेल्थ किट में आपका पूरा नहीं होता और आपकी बन जाती है पेटी। तो आपको ये नहीं करना है, रिवाइव होते ही आपको लगाना ही है बैंडेज लगाते आपको आगे तक जाना है। जोन पार हो जाए फिर आप हेल्थ किट लगाए तो कोई बात नहीं, तो है पहले बैंडेज लगाए फिर हेल्थ किट लगाइए। फिर आज के लिए बाय।